फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस हु आर न्यू, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और प्लीज भर भर के मुझे लाइक्स दीजिए, कमेंट्स दीजिए, शेयर दीजिए, शेयर करिए मेरे ब्लॉग्स को, ताकि मेरे पति को भी लगे कि मैं जो कर रही हूँ ब्लॉगिंग थोड़ा अच्छा काम कर रही हूँ। राइट, अच्छा कब मना किया? बोलो अच्छी चीजें करो। मैं अच्छी चीजें करती हूँ, मेरे हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। रियली हाँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो जाता। अब देखो, अब मैं उड़ीसा में रह रही हूँ, बात करती हूँ बंगाली में, उड़िया में, संबलपुरी में, तो मेरा हिंदी का तो वाट लगेगा ही ना। मेरा तो नहीं लगता। तुम सर्वगुण संपन्न हो, मैं नहीं हूँ। ओह यस, मेरी बेटी कितनी स्मार्ट है, हाय बोलो। ओके, तो आज का जो मेरा ब्लॉग है, देखिए हम लोग व्हाइट व्हाइट पहने हैं, ये भी व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ऑफ व्हाइट, बट मेरा व्हाइट है तो। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा पहनेंगे। एक्चुअली आज है बाहुड़ा यात्रा, मतलब रथ यात्रा से बाहुड़ा 9 डे होता है ना, 9 दिन में हम लोगों ने रथ यात्रा का, मैंने वीडियो ब्लॉग दिखाया था आप लोगों के साथ, मैंने शेयर किया था, उसके बीच में भी मैंने एक ब्लॉग शेयर किया और एक ब्लॉग में शेयर करूंगी। और ये जो ब्लॉग है, मैं ये 2-3 दिन के बाद में ही पोस्ट करूंगी। और अभी बज रहे रात के 10:15, उसे 10:15 नहीं कहते, उसे 10:15 कहते हैं ना, 10:15 उसे 10:15 कहते हैं। ओके, तो अभिनव ने, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं बाहुड़ा को ब्लॉग बनाऊं, लेकिन अभिनव ने कहा कि तुमने रथ यात्रा दिखाया था तो तुम्हें बाहुड़ा भी दिखाना चाहिए। हमारे उड़ीसा कल्चर में जैसे होता है, जगन्नाथ जी को रिटर्न, वो जाते हैं अपने मौसी के घर, फिर वहां से वापस आते हैं, तो हमारे घर में जैसे कि हम लोगों ने रखा है जगन्नाथ जी को, तो उन्होंने कहा कि आज चलो वो भी तुम्हें ब्लॉगिंग करके दिखा, और होते होते हो गया। राइट, बहुत ही अच्छा हुआ। तो वो मैं क्लिप सारे आपको दिखाऊंगी। और अभिनव ने भी भजन में, मतलब गोपो भाई को तो आप लोग जानते हैं, मैंने दिखाया था ब्लॉग में कि उन्होंने ही रथ बनाया है, और तो वो उनको तो आना ही था। और भूपेन सर आए थे, आप लोग को लग रहा हो कि बहुत ज्यादा लोग, ऐसा कुछ नहीं, वो तो फैमिली फ्रेंड है, आई थिंक 4-5 लोग थे, हाँ ज्यादा नहीं थे। और सर भी कितने महीनों के बाद आए हैं ना, बहुत महीनों के बाद सर मैडम आए हैं, और स्पेशली आराध्या आया क्योंकि वो रथ को खींचना था एंड बच्चे ज्यादा इंजॉय करते हैं इसीलिए। और स्पेशल गेस्ट जो थे हमारे, वो हमारे सिंगर जयदेव तंती, जयदेव दादा हम बुलाते हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर, पुलिस में नौकरी करते हैं वो, पर हालांकि वो एक वॉलंटियर अप्रूव्ड सिंगर, बहुत महारत है उनको हर फील्ड में, बहुत अच्छा भजन गाए, और मतलब समा बांध गया। अभिनव ने भी अच्छा गाया, अभिनव ने थोड़ा मतलब कंटिन्यूअसली आई थिंक तुमने 5 गाने गाए ना, भजन बैक टू बैक गाया उन्होंने गाया, इनका तो प्रैक्टिस नहीं है, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करो 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 और उसे भी सिखाओ, खाली डांस कर रही, गाना नहीं गाया। और आप practice. सबको मैं क्लिप्स थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, होप कि आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। राइट I'm not afraid of the dark.
थोड़ा सी मत गिरी ना पुकाए गंगा पानी गीती बजाए गुणा गाती बगीती बजाए गुणा गाती बड़ा बाला ब्रिलियंट बहुत अच्छा हुआ था, मतलब चार पांच रोज से कुछ रोज से जब से ये हुआ है इतना अच्छा खाना बना रही है जी, मतलब मार्वलस, पता नहीं अच्छा बना रही है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट शायद अच्छा बन रहा है या क्या पता नहीं, भगवान जी का प्रसाद है वो, पूरी में खाने से जो फीलिंग्स मिलता है वो मीठा दाल या जो भी, ये कहने से आप शायद यकीन करें या ना करें वो बिल्कुल हूबहू वही टेस्ट मिल रहा है, भगवान की कृपा है यार। और आज जो दही वड़ा इसने बनाया था, गरम दही वड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब दही वड़ा वो गरम हो और लेकिन दही हो उसमें, इट वाज मार्वेलस, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, सुपर। मैंने इसको कहा कि तू अन्नपूर्णा है, थैंक यू। और बेबी इसी खुशी में प्रॉमिस भी किए हैं कि इशु का जैसे कि एग्जाम चल रहा है तो खत्म होने के बाद हम लोग को घुमाने लेके जाएंगे, राइट? कहाँ जाएंगे वो नहीं बताओ, जरूरत नहीं, लेकिन प्लीज यार राहुल किला संबलपुर ऐसे मत लेके जाना, थोड़ा सा क्या बात हुई है, कोई अच्छी जगह लेके जाओ, ऐसा मत करो। एंड हम लोग बहुत घूमने के शौकीन हैं, मैंने जब से ब्लॉगिंग शुरू किया है ना उससे, तब से हम लोग कहीं घूमने ही नहीं, क्योंकि मैं लॉकडाउन के बाद से ही कर रही हूँ। वेरी गुड, बंगाली में बात करती है अपने पापा से, मुझसे उड़िया में, राइट? तो होप कि आप लोगों को मेरा ये टोटल वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज मेरा सब्सक्राइब थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दीजिए एंड अपना ख्याल रखिए। और मैंने आज वैक्सीन लिया है, मेरा ये हाथ ना बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है सीरियसली, इसलिए मैं थोड़ा सा डल भी हूँ ना, फर्स्ट हाफ तक ठीक थी, सेकंड हाफ से ही थोड़ा सा यहाँ पे पहने, लेकिन बुखार वुखार तो नहीं हुआ, राइट? असर नहीं कर रहा वैक्सीन, मतलब नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, असर कर रहा है, तुमको भी तो नहीं हुआ था बुखार? मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मेरा भी है, मेरा भी है, मैं वेजिटेरियन हूँ, ये नॉन वेजिटेरियन है, तो नेगेटिव ना मामा, नेगेटिव पॉजिटिव वैक्सीन, इसको तो खैर आया नहीं है, मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे मतलब कोविड हो गया था, तो उसके 3 महीने के बाद ही आपको वैक्सीन लेना है, तो मैंने फर्स्ट डोज आज लिया है, तो वो कि मुझे बुखार हर कोई वैक्सीन ले, जरूरी है, हर कोई वैक्सीन ले, प्लीज डोंट अवॉइड टेकिंग वैक्सीन, जरूर ले वैक्सीन। ओके, चलिए इसी अच्छे मैसेज के साथ में हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं, बोलो तुम बोलो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बाय, लव यू।
बाबा